इंडिया को समझा दे माधव, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। तो पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर है, वहां सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें अभी मानव भी हमें दिखा रहे हैं, कल शाम को वहां झड़प भी हुई थी, कल दिन भर, और उसके बाद शाम को वहीं उन्होंने डेरा डाल दिया था। ये किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने तारबंदी करके इन्हें वहीं रोक दिया। सुरक्षा बल के जवान ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। तो ये चार तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से किसान डट गए हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है और ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां जुट गए हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, राशन पानी लेकर ये पूरे इंतजाम के साथ निकले हैं। और चप्पे चप्पे पर जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी जो भी वहां पर गतिविधि हो रही है उस पर पूरी तरह से ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है। कंटीले तार यानी थ्री लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कंटेनर्स में मिट्टी भर के वहां रखी गई है, उसके अलावा कंटीले तार भी बिछा दिए गए। पिछली बार से सबक लिया है, जो कमियां पिछली बार पुलिस और प्रशासन की तरफ से रह गई थी उनको भी इस बार पूरा कर लिया है। तो पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन कल भी वहां देखने को मिला था, वहां सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। दिल्ली की सीमाओं पर सख्त पहरा है, सिंगू बॉर्डर पर कई लेयर सिक्योरिटी की तैनाती कर दी गई है, वहीं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती भी की गई है, उसके अलावा महिला टुकड़ी की भी तैनाती है। पूरा का पूरा जो इलाके हैं उन्हें छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह की तैयारी इस वक्त की गई है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिंघू बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर को पूरी छावनी में तब्दील किया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है। मेरे पीछे आप आरएएफ की मौजूदगी देखेंगे और काफी तादाद में इस वक्त आरएएफ के जवान मौजूद हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। और आप देखेंगे कि रेस्पिरेटर्स हैं इनके पास, क्योंकि अगर टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो फिर ये अपने आप का बचाव कर पाए। ये आप देखेंगे कई सारी लेयर्स हैं आरएएफ के जवानों की, उस तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे वहां पर भी लेयर्स हैं, और ये आप देखेंगे कि पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ आपको ये नजर आएंगे। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर ये किस तरीके से राइट्स की अगर सिचुएशन बनती है तो ये आप देखेंगे इसकी भी इन्होंने तैयारी की गई है, आरएएफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि ये लोग अपने आप का बचाव कर सके, और जो भी लोग कानून को हाथ में लेंगे तो उन पर यहाँ पर कार्रवाई हो सके। ये आप देखेंगे सिंघू बॉर्डर की स्थिति, बैरिकेड्स तो यहाँ पर है, कंटीले तार भी हैं, पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। अगर हम थोड़ा पीछे आते हैं तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर कोई पहुंच ना पाए, और यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स कई लेयर्स में हैं। और यहाँ पर ये आप देखेंगे ये सरिया भी है, ताकि जो ट्रैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा इस तरफ विकास अगर आप दिखाएं, दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ ये फ्लाईओवर है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है आपको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आएगी। तो एक एक जगह पर यहाँ पर मुस्तैदी है, जवान मौजूद है, इसके अलावा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, और ये महिला टुकड़ी भी है यहाँ पर, आरएएफ जवानों की महिला टुकड़ी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। विकास थोड़ा अगर हम आगे आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से ये तस्वीरें, ये आप देखेंगे कैसे मुस्तैदी से यहाँ पर है। तो जो पिछली बार हमने देखा था कि जब किसान आंदोलन हुआ था, कृषि कानून जब वापस लेने थे उसको लेकर के किसानों ने डेरा डाला हुआ था, तो उन तस्वीरों से, उन हालातों से सबक लेते हुए यहाँ पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। ये महिला टुकड़ी आरएएफ की और ये पुरुष टुकड़ी आप देख सकते हैं, तो जगह जगह पर ये है। ये आप देखेंगे तो राइट कंट्रोल व्हीकल है, तो यहाँ पर तैयारी कितनी पुख्ता है, किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं कि अगर हालात बेकाबू होते हैं तो हालात को काबू में किया जाए। इधर आप देखेंगे ये भी है, व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और यहाँ पर हालात पर काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज 18 इंडिया। बिल्कुल, तो किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हमें दिखा रही थी हमारी सहयोगी जसप्रीत। जसप्रीत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने तमाम इंतजाम तो दिखाए, कैसे थ्री लेयर सिक्योरिटी है, महिला टुकड़ी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, जगह जगह कंटीले तार बिछाए गए हैं, सीमेंट की बैरिकेडिंग है, कंटेनर्स रखे गए हैं, वज्र वाहन भी हमें नजर आ रहे थे, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस तैयार है। लेकिन क्या, जैसा कि आप बता रहे थे कि निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जा रही है, कैमरा, सीसीटीवी कैमराज भी लगे, तो क्या उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है? और दूसरा एक बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के लिए कि सख्ती नहीं दिखानी है ज्यादा, तो क्या उस तरह के भी डायरेक्शंस उन्हें मिले हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए आला अधिकारी पंकज खुद ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन देखिए जो तैयारी मैंने आपको दिखाई उससे ज्यादा पुख्ता की जा रही है। सूरज अब उग चुका है क्योंकि पहले हमने देखा कि सुबह धुंध था, अब ये तस्वीर आप देख लीजिए। विकास आप दिखाइए, हाइड्रा मशीन है, कैसे जो ये बड़े बड़े ब्लॉक्स है, यानी कि जो सुरक्षा मैंने आपको दिखाई मल्टी लेयर्स, उससे भी अधिकारी आगे बढ़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैसे ये बड़ा ब्लॉक है, ये देखिए ये हाइड्रा मशीन है। अब ये ब्लॉक को उठाया जा रहा है और इस ब्लॉक को कहां पर रखा जाएगा ये न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे। और ये पीछे आरएएफ की मौजूदगी है, पुलिस की मौजूदगी है, कई सारे जवान मौजूद है। अब इस तरफ ये विकास आप उधर दिखाइए, जो ब्लॉक दिखाया लगाया जाएगा आप देखिए वहां पर कंटीले तार है, वहां पर जो बैरिकेटिंग की गई है, वो जो बैरिकेटिंग की गई है, यानी कि इतनी लेयर्स के बावजूद और यहां पर ये ब्लॉक्स बढ़ाए जा रहे हैं। हाइड्रा मशीन यहां पर ब्लॉक्स रखते हुए यहां पर अधिकारी किसी भी तरह से कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाइड्रा मशीन ये ब्लॉक्स को रखते हुए एक एक करके तमाम ब्लॉक्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं। मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डायरेक्शन बिल्कुल है कि पहले तो संवाद किया जाएगा, बातचीत के जरिए उनको रोका जाएगा। और अधिकारी ये बोल रहे हैं कि अभी किसान यहाँ पर पहुंचे ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर चार ब्लॉक्स और हैं सीमेंट के, इनको भी यहाँ पर रखा जाएगा। उस तरफ अगर विकास आप आगे आए, एक तो ये हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये व्हीकल आप देखिए, ये टियर गैस का इस्तेमाल इसी से होता है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो ये जवान मौजूद है, आप ये देखेंगे कि ये जो ऊपर आपको ये नैरो से पतले से जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पर ये जवान मौजूद है, जिसके जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, इसी के जरिए जो है अगर उसके पीछे आप देखेंगे, देखिए ये कंटेनर्स के ऊपर बोरे रखे हुए हैं। पंकज तो ये तैयारी है, ये व्यवस्था है, बिल्कुल तो जबरदस्त तैयारी है, चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से चलना चाहूंगा नीरज के पास। नीरज आप भी सिंघू बॉर्डर पर ही हैं, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए पंकज आपने बिल्कुल कहा कि लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और न सिर्फ एक तरफ बल्कि हर तरफ। देखिए ये फिर ये तैयार है, एक बार फिर आपसे बात ही हो रही है और ये तैयारी ब्लॉक्स को दूसरी तरफ रखने की। अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी भी इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रही थी, तो आज दिल्ली पुलिस का फोकस है कि इस तरह के ब्लॉक को पूरी तरह से कंक्रीट और बीच में जो गिट्टी और सीमेंट के मिक्सचर होते हैं उनके जरिए बांध दिया जाए। ऊपर कटीले तार रहेंगे और नीचे कंक्रीट और बैरिकेड की दीवार रहेगी। इसी तरह से एक के बाद एक की तैयारी की जा रही है, ड्रोन भी बीच बीच में नजर रख रहे हैं, हमें दिख जाते हैं, फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है, दूसरे इलाके में होंगे, लेकिन हर तरफ यही तस्वीरें आपको दिखेंगी यहाँ बॉर्डर पे, क्योंकि सिंघू बॉर्डर सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है। अगर पिछले बाल के पिछले बिल्कुल तो मल्टी लेयर तैयारी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, जैसा कि नीरज दिखा रहे हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी जसप्रीत दिखा रही थी। अंकिता का रुख करना चाहूंगा, अंकिता लगभग वैसी तैयारियां इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर भी हैं जैसा कि जसप्रीत और नीरज हमें दिखा रहे थे। देखिए वहां पर तो सिक्योरिटी टाइट ही है पंकज, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर अचानक मैंने आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हलचल यहां पर बढ़ गई है, अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है। एक बार पंकज अगर आप दिखाएं तो वो जो टेंट आप ऊपर देख रहे हैं वहां से अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई है और साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए व्हीकल भी यहां पर लाया गया है, लाउड स्पीकर यहां पर लगा दिए गए हैं ऊपर, अगर आप देखेंगे जहां पर सीसीटीवी कैमरेज बढ़ाए गए हैं, बाकायदा पुलिस ने हमें इस बात की जानकारी दी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं, अगर हम पिछले बार के किसान आंदोलन की बात करें तो इस मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई थी, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन मोड में था ये प्रोजेक्ट, और अब क्योंकि मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है तो कम से कम गनीमत इस बात की है कि लोग यहां से ट्रैवल कर पा रहे हैं। मेट्रो ये येलो लाइन है वो ऑन है इस वक्त, लेकिन हम थोड़ी देर पहले आपको ये बता रहे थे कि ये रास्ता जो है वो कि ब्लॉक कर दिया गया था, यहां पर बैरिकेड लगा दिया था और आपने देखा भी था कि हम यहां से गुजर नहीं पा रहे थे, हम यहीं आ गए थे, लेकिन यहां पर इतनी लंबी कतार लग गई, लोगों में इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश था कि मजबूरन प्रशासन को, पुलिस को यहां पर आना पड़ा, रैपिड एक्शन फोर्स को ठीक इसी जगह पर ये जो कतार थी लोगों को निकालने के लिए रास्ता खोलना पड़ा, और इसी तरीके से आगे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हरियाणा बॉर्डर है और इस बैरिकेड के उस पार दिल्ली बॉर्डर है, और दिल्ली बॉर्डर के इस पार सिर्फ एक ये लेयर थी, लेकिन दूसरी हमने आपको दिखाई थी, अब एक और तीसरी लेयर बना दी गई है। अब लोगों के सामने समस्या ये पेश आ रही है कि इतनी सारी सिक्योरिटी, इतनी सारी लेयर्स के बीच में आखिर वो अपने अपनी फैक्ट्रियों तक जाएं कैसे। कुछ हमने फैक्ट्रीज में जाने की कोशिश की थी, कई फैक्ट्रीज में तो छुट्टी दे दी गई है, ताले लगे हुए हैं, अब लोग परेशान हैं, हर कोई यहां से जब गुजर रहा है तो आक्रोश में होते हुए किसानों के इस आंदोलन के तरीके को गलत ठहरा रहा है। सबका यही कहना है कि आंदोलन करना, अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है, जायज तरीका होता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि लाखों लाख जिंदगियां प्रभावित हो जाए, बच्चे। बिल्कुल, तो देश के नंबर वन चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात है, किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है उसकी